बज गया बिगुल, बिच गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका, किसकी होगी मात। आप देखेंगे झारखंड विधानसभा से जुड़ी हर चर्चा और नतीजे आरपी भारत के साथ। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। बोकारो विधानसभा के चौथे चरण के मतदान में निर्धारित समय से ही मतदान शुरू हो गया। बोकारो के शहरी क्षेत्रों में महिलाएं सुबह सुबह अपने घर के सारे काम काज छोड़ पहले मतदान को निकल गई हैं। वहीं पहली बार वोट देकर नए वोटर ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करके खुश दिखाई दिए। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और मैं अपने बूथ पे सबसे पहले वोट 7:01 में मैं वोट लेकर के आया। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हम वोट नहीं करेंगे तो हमें किसी शिकायत करने का हमारा अधिकार भी नहीं होगा। इसलिए मैं सभी, और मतलब जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ और बाकी लोग भी यही करना चाहिए कि सबसे पहले वोट करें, उसके बाद ही कुछ अपने दिन का कार्य, मतलब अपना कार्यकाल शुरू करें। थैंक यू। मैं इस बूथ का पहला वोटर हूँ और मेरा मानना है कि लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है, देश की दशा और दिशा को, राज्य को प्रगति की ओर ले जाना है तो मतदान में हिस्सा लेना ही होगा। मतदान में हिस्सा लेकर लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ देश और राज्य की तरक्की में हर नागरिक का दायित्व है कि वो अपना विशेष और सबसे अग्रणी भूमिका निभाए। इसलिए मैं अपील भी करता हूं लोगों से कि जो अब तक घर से बाहर नहीं निकले हैं वो घर से बाहर निकलें, अपना बहुमूल्य मतदान करके देश और राज्य की भविष्य को सुनिश्चित करें। बोकारो से नरेश कुमार की रिपोर्ट।